नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे तारीखें नज़दीकें आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं सभी पार्टियों के, उनके दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। और यही इसी की पड़ताल करने के इस बार जनता मुख्यमंत्री का ताज किसको पहनाने जा रही है और किसको देने जा रही है, मुखिया के सूबे की चाबी। और हम इस समय फतेहपुर सीकरी विधानसभा के रौनक तामर मौजूद हैं और यहाँ हम जनता से राय जान लेते हैं और जनता से बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और ये जान लेती हूँ ये चीज़ कि ये इस बार किसको मुखिया बनाएंगे, किसको बनाएंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। जमील अहमद सानू। जमील जी, जिस तरह 2022 ये विधानसभा चुनाव आ चुका है, इस बार आप मुखिया, जो उत्तर प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री का जो ताज है, आप किसको पहनाने जा रहे हैं? हमारी विधानसभा का जो प्रत्याशी हो वो पब्लिक की समस्या को सुनने वाला हो, समझने वाला हो, क्योंकि जो पहले प्रत्याशी थे वो कभी रौनकता आते नहीं थे और अब ये चाहते हैं जो भी प्रत्याशी बने वो इस बार रौनकता की ध्यान रखें। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में जो जहाँ क्षेत्र होते हैं उन लोगों में ध्यान रखें, उन्हें जाएं। बस हम यही चाहते हैं कोई भी प्रत्याशी आए, बस वो हमारे नगर का, हमारे गांव का, हमारे गलियों का, यहाँ का देखभाल रखें। बीजेपी से यहाँ उदय भान सिंह जो प्रत्याशी थे, यहाँ जो विधायक जी थे, मंत्री भी रहे, उसके बाद उन्होंने मंत्री का भी उन्हें पद संभालने के लिए जिम्मेदारी दी, क्या उन्होंने कभी विकास नहीं करा? कभी रौनकता ही नहीं देखा उन्हें आए के नियम में, कभी रौनकता में यही महसूस नहीं करा कि रौनकता आज आए या नहीं आए। कोई मर जाता जब एक आध बार आ गए, नहीं तो अभी तक रौनकता में कहीं भी कोई काम नहीं और ना आए। अभी बढ़िया प्रत्याशी चाहते हैं जो कि काम देखें, यहाँ की पब्लिक को देखें, जरा समस्या सुने पब्लिक की। अब जो टैक्स बढ़ा है तो यहाँ के वो आएंगे सांसद और वो उनसे हम कहेंगे, वो केंद्र में कहेंगे, तो इस मारे ने थोड़ा उनकी समस्या के बुन पे वजन पड़ेगा। हम तो जाते नहीं हैं, अब वो हम तो यहीं के यहीं मन मार के रह जाते हैं। अब टैक्स बढ़ा दिया हमने 12%, उन्होंने कर दिया, अब 12% का झेल लें। पहले 5% था, 2 लाख रुपए की गाड़ी लाई गई, 1 लाख रुपए की गाड़ी लाई, 5,000 तो हम दे आए और फिर प्लस यहाँ देना पड़ता। सर, जो सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाई है, इससे आप बहुत परेशान हैं? खुद परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। हमारे जो काम खत्म हो गए, इधर हार्ट पैड हैं जो ये नहीं लग रही हैं बीमारी की वजह से, तो इस वजह से बिक्री कम हो गई है, खर्चे नहीं चल पाते हैं। अब हम लोग तो ब्याज पे इधर उधर से लेते हैं तो उसका पैसा हमको ब्याज भी देनी पड़ती है, महंगाई बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गया है। हाँ, तो इस तरह ये मेरे साथ भाई मौजूद थे, इन्होंने भाई साहब ने बताया मुझे कि यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच आए, हमारी समस्याओं को सुने, हमारे जो क्षेत्र का विकास है, नाली खरंजा, इस तरह की पानी की समस्या, उनका उन समस्याओं को सुने, उनकी उन समस्याओं से हमें निजात दिलाए। मेरे साथ और भी भैया मौजूद है, ये मेरे साथ एक युवा मौजूद है, मैं युवा मौजूद, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम भैया आपका? यासर अहमद। यासर अहमद जी, नाम बहुत अच्छा है आपका, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? यही हमारा नाना का भोपाल है ये जी, यही यहीं बैठते हैं, पढ़ते भी हैं, अभी स्कूल बंद हो गए हैं तो इस वजह से जा नहीं पा रहा। अच्छा, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेरे साथ जो ये भाई मौजूद थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि महंगाई यहाँ मेन मुद्दा है, यहाँ के लोग ये व्यापारी लोग हैं और यहाँ महंगाई। मेरे साथ यहाँ अंकल जी मौजूद, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? अरे मजदूर आदमी है, मजदूरी मिल रही नहीं है, मजदूरी बढ़िया मिले, काम चलता रहे। नेताजी कोई बने हमारे यहाँ से, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। बीजेपी भी बढ़िया है, सपा भी बढ़िया है, जो भी बढ़िया सब है, मतलब ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी की सरकार जब आई थी तो तब कैसा रुख था? जब तो पहले काम तो बढ़िया चल रहे थे, मजदूरी बराबर मिल रही थी, काम मिल रहा था, अब काम ही नहीं है। तो किस चीज का व्यापार है आपका? भोपाल गया चप्पल बेचने जाते, हाट बैठो बाजार बंद चल रहे, परेशान तो है ही है, बाजार बंद हो जाते हैं, क्या करें, खाने पीने की दिक्कत है हो रही है, और कोई समस्या नहीं है, बेहतर सब कुछ। यहाँ भाई एक और मौजूद, मैं इनसे ही बात कर लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार सिंह है। केदार सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरह 2022 का आप जो चुनाव है, इस बार आप कैसी सरकार चाहेंगे, कि क्या आपके हित के लिए? बहन जी की सरकार सही थी, बहन जी की सरकार ठीक थी ठीक थी, सब चीज़ की सुविधा थी
और बच्चा पढ़ लिख रहे थे। अब लॉकडाउन के बाद बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं और कोई काम में वो नहीं है। परेशानी ज़्यादा है यहाँ बीजेपी से, बीजेपी से परेशान है, परेशान है जनता। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी थी? मायावती की सरकार में बहुत अच्छी थी कानून व्यवस्था, इसमें गुंडा राज है बीजेपी। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित रहेंगी कहाँ से? बीजेपी से परेशान है, पुलिस प्रशासन कोई वो नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सब पैसे का धंधा है बीजेपी की सरकार में, लूट मचा रखी है कानून ने। और बीजेपी के तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, महिलाएं हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, हमने लोगों गरीबों को राशन दिया है, तमाम तरह के वादे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, राशन फ्री में नहीं दे रहे हैं वो, जनता के पैसे से दे रहे हैं वो तो फ्री में ही दे रहे हैं ना राशन। अरे तो जन तब तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो अब पहले 80 रुपए थे, अब 200 हो गया, तो ये पैसा किसका जा रहा है? जनता का जा रहा है ना, तो उसी महंगाई से उसी से तो राशन बांट रहे हैं फ्री में। अच्छा। वो तो अपनी वो दिखा रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं फ्री में, प्रचार कर रहे हैं वो तो अपना, समझ लो परेशान है बिल्कुल। बहन जी की सरकार आएगी 2022 में। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, इन सभी लोगों ने बताया कि हम बहन जी की सरकार चाहते हैं और इस बार जो कानून व्यवस्था है वो एकदम ध्वस्त हो चुकी है। कानून के नाम पर महिलाओं के साथ अभद्रताएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ एक और बीजेपी कानून और महिलाओं के सुरक्षा के लाख दावे करती है, तो वहीं आज जनता के द्वारा हमें बताया गया कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जहां बहन जी की सरकार थी, बीएसपी की जो सरकार थी, वहां महिलाएं बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी और यहां महिलाएं भी सुरक्षित थी। और मैं इनसे बात कर ली थी, भैया नाम क्या है? शकील नाम है मेरा। भैया बहुत अच्छा नाम है शकील, ये बताइए कि शकील भाई कैसा व्यापार चल रहा है आपका? व्यापार अब तो बिल्कुल मंदा चल रहा है, समय जीएसटी के चक्कर में बहुत मंदा चल रहा है। जी 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 बिल्कुल भी कोई आप देख रहे हो मार्केट को, पहले पूरी भरी चलती थी, अब बिल्कुल डाउन पड़ी है ये जब से 12 परसेंट। जी जी अच्छा, हमने तो सोचा कि यहाँ लोग रहते हैं, मार्केट है पूरी जूते चप्पल, कोई दिखाई नहीं दे रहा, ग्राहक ही नहीं है, जब से 12% जीएसटी हुई है जब से बिल्कुल मंदा पड़ा है मार्केट में। मतलब आप मेन मुद्दा आपका महंगाई का है? महंगाई का है। इस बार कैसी सरकार चाहते हैं? अब चाहते हैं हम सरकार, बढ़िया सरकार चाहते हैं, ये बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहते हम, बीजेपी नहीं बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कोई विकास नहीं करा है क्या? क्या विकास है बताइए आप, ये खरंजा तक सही नहीं हुआ हमारा, देखो था देखो आप, पूरा खरंजा अभी तक सही नहीं हुआ। बीजेपी ने तो जो बीजेपी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ, वो तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी है, बिल्कुल सड़कें सही है, एक हमारा खरंजा तक सही नहीं हुआ अभी तक, क्या सही करा उन्होंने? खरंजा सही नहीं है बताइए आप, बताइए छोटा सा खरंजा सही नहीं है जी बिल्कुल। मैं इनकी परेशानी से को देखते हुए मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि जिस तरह इन्होंने खरंजा की जो समस्या बताई है कैमरामैन से, कि जिस तरह किस तरह पानी भरा हुआ है, ये कितना गंदगी फैली हुई है और किस तरह ये रोड है, बिल्कुल जिस तरह ये लोग यहाँ के लोग परेशान है, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ एक तरफ योगी सरकार मोदी सरकार कहती है स्वच्छता अभियान, तो देखिए ये है इनका स्वच्छता अभियान, बिल्कुल साफ तौर से देखा जा रहा है, यहाँ बच्चे हैं, बच्चों के जो लोगों के घर है वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, बाहर अपने दरवाजे पर भी हैं, और यहाँ उनके सामने किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये है हमारा जो स्वच्छता अभियान को साफ तौर से ये पलीता लग रहा है, तो यहाँ बिल्कुल साफ है, यहाँ जनता ने बिल्कुल अपनी राय बताई है कि किस तरह यहाँ लोग कितने परेशान है, कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ विकास के नाम पर ढक के तीन पात दिखाई देते हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया नाम क्या है आपका? साहिल। साहिल, साहिल बहुत अच्छा नाम है साहिल। भैया ये बताइए कि इस बार किस तरह की सरकार चाहती है, क्या खुश हैं इस सरकार से आप? इससे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों खुश क्यों नहीं है? इसी माहौल को देखते हुए और खुश क्यों होंगे? अच्छा। और जीएसटी भी 12 कर दिए, पहले 5 थे, इस समय 12 कर दिए। अच्छा। और इससे एक भी कस्टमर दिखाई नहीं दे रहे गली में। ये मार्केट है जो रेंट पे ले रखे, उनका किराया देना भी मुश्किल हो रहा है इस समय, इतनी तो हाई है। सबके गोदाम पहले भरे रहते थे, आज देखो बिल्कुल खाली डले हुए, किसी भी दुकान पे देख लो आप जाके। साल का इसमें टैक्स यहाँ से एक गाड़ी 5 लाख रुपए की बनकर आई, अब 12% हम कंपनी में देकर आए, पहले हमारा 5% 5 लाख रुपए में 25,000 गए, अब जो 12% से आप लगा लीजिए कितना हो गया, तो हमारा तो गया, हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो गई। यहाँ ग्राहक जो 20 जोड़ी ले जा रहा है, 20 जोड़ी ले जा रहा है, जो कि विधवा है, किसी का आदमी मर गया, गरीब है, किसी का आदमी दारू पीता है,
तो वो यहाँ से 20 जोड़ी ले जाकर हाट में धर के बेच रही है, तो वो क्या करे बेचारी, हमें टैक्स तो नहीं देगी। हमने 1 रुपया वहाँ पे बढ़ाया, हमारे 2 रुपये वहाँ में चले गए। जैसे हमारी 20 रुपये की खरीद है कि 15 रुपये ही खरीदे, हमने उसको 20 की बेची। अब वहीं से जब रेट बढ़ गया तो हमारे तो 1 रुपया रह गया। अब हम अपने घर के खर्चे को कैसे कन्वर्ट करें? अब 500 रुपये, 1000 रुपये का ऊपर सिलेंडर हो गया है। अब घर के खर्चे से महीने में 2 सिलेंडर तो मान ली। सिलेंडर तो योगी जी ने फ्री दिए हैं, राशन भी फ्री दिया है। ना राशन मिला, ना राशन मिला हमको। हमसे तो ये और कह देते हैं भाई जी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आप GST में कन्वर्ट हो। अच्छा, GST में हमसे तो ये और सबके पास GST लगी हुई है, ऐसे कोई वो नहीं, एक नंबर का काम है, कोई वैसा नहीं है, ये दिक्कत है। हाँ भैया, कैसे सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जो है निष्पक्ष सरकार चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव जी। पहला नंबर सरकार बननी चाहिए, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, महंगाई, इन सभी मुद्दों पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार ने। अब आने वाली सरकारों ने कई वायदे किए हैं, 20 लाख कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश में, उनको पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सरकार ने वादा किया है समाजवादी पार्टी ने। केंद्र सरकार थी इनकी BJP की, इन्होंने पेंशन को बंद कर दिया, पुरानी पेंशन बंद कर दी, नई पेंशन स्कीम चालू कर दी, जिस पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को कोई लाभ नहीं है। अब इस समय पे भाई BJP की सरकार ने कह दी है कि अखिलेश की सरकार में ही पेंशन बंद हुई थी, उनके अब्बा जी की सरकार थी तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई, पिछले सरकार निकल गई तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब आवाज़ इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि केंद्र से पूरा दबाव था इनके पास जी। अब इस समय पे उन्होंने सभी विशेषज्ञों से राय ले ली है किस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, सबको पेंशन दी जाए ठीक। शिक्षा के लिए उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज भी खोलने के लिए तैयार कर दिए हैं, भाजपा सरकार ने 1 मेडिकल कॉलेज नहीं बना के दिया। भाजपा सरकार में तो कितना विकास हुआ है, उन्होंने तो विकास की गंगा बहा दी है, आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? विकास किसे कहते हैं? विकास की परिभाषा कोई बता सकता है आप में से जी? विकास क्या है? विकास में होना चाहिए महंगाई सबसे पहले कम, दूसरा पब्लिक को शिक्षा चाहिए, तीसरा पब्लिक को चिकित्सा चाहिए, चौथा पब्लिक को आम चीज़ें मुहैया हैं, गैस, बिजली, पानी। गैस सिलेंडर भी फ्री कर दिया उन्होंने, तो राशन फ्री कर दिया उन्होंने। गैस सिलेंडर भौगोलिक स्थिति पे जाके देखिए 1200 रुपये का मिल रहा है जी। किसने फ्री दे दिया है? भौगोलिक स्थिति पे बिल्कुल जीरो है, कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है। सफाई के तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल सफाई नहीं है, नगर निकाय क्षेत्रों में पैसा ज़्यादातर बढ़ते हैं तो उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई है। अच्छा, इस बार ये बताइए, इस बार कैसी सरकार, किसकी चाहते हैं, फिर भी सरकार कैसी चाहते हैं, मुखिया कैसे बनाएंगे, मुख्यमंत्री का ताज कैसे पहनाएंगे? इस बार मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव ही बनेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का 20 लाख कर्मचारियों के लिए किया है, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ परिवार सहित बन रही है, जो कि सबको लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए दी जाएगी, चाहे वो राज्य सरकार का किसी विभाग में कर्मचारी हो। 95 विभाग हैं, 95 विभागों के बारे में उसने सोच के चला है सब काम करने के लिए, ना कि फ्री राशन बांटने से सरकार का कुछ होने वाला है। आम आदमी को चाहिए तो सिर्फ शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएं, मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, जिनमें पूरी आरक्षण की सुविधा दी जाए OBC को। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है बिल्कुल ही पिछड़ा जा रहा है, हर किसी भी क्षेत्र में कोई कार्रवाई वर्तमान की सरकार, भाजपा सरकार ने नहीं जी। बिल्कुल साफ है, यहाँ BJP से लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपना बिल्कुल साफ तौर से BJP के खिलाफ बोलते हुए बताया कि हमें BJP सरकार नहीं चाहिए, इसने GST बढ़ाई है, ये महंगाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, विकास का, सारे वो मुद्दे हैं जो BJP दावे दे रही है कि हमने विकास कराया उत्तर प्रदेश के अंदर। आगरा से ममता भारद्वाज, Prime TV News। नमस्कार, मैं हूं राम ऋषि पांडे। आज हम पहुंचे हैं कन्नौज, सबसे पहले बात करेंगे छिबरामऊ विधानसभा की, क्योंकि इस विधानसभा में 2017 में कमल खिला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायिका अर्चना पांडे को इस विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब देखना ये होगा कि दी गई जिम्मेदारियों पर वो कितना खरा उतरी है। मेरे बीच भैया लोग मौजूद है, भैया नेताजी क्या नाम है?
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विधानसभा उपाध्यक्ष छिबरामऊ। अच्छा, क्या स्थिति है विधानसभा की? विधानसभा की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मौजूदा में जो किसानों के साथ हालात हुए, खाद बीज महंगाई के लिए किसान तरह तरह कर रहा है, उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक बहाई, उसको उन्होंने कोई नया काम न करके फीता काटने का काम किया और इन्होंने अपने नाम की पटिया लगवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन में ठान लिया है योगी आदित्य और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा, ये निश्चित है। अच्छा जी भैया, क्या कहेंगे क्या कहेंगे? मैं तो साहब सपा ही सरकार चाह रहे, सपा वही सहयोग करो चांद, भाजपा ने कुछ विकास ही नहीं किया है। अच्छा, जगह बे जगह शिलान्यास किया है और कहीं गांव में आवास भी नहीं है। 136 कॉलोनियां है सारी, विधायिका जी अगर चाहती तो मिल जाती, सारी कॉलोनी खत्म कर दी। तो इस वजह क्या समर्थन है? मैं भगवंतपुर का निवासी हूँ, भगवंतपुर में ऐसा कोई भी विधायिका जी ने कार्य नहीं किया जो कि 136 कॉलोनी प्रधान जी लिखकर गए थे। हम, मैं 5 भाई हूँ, किसी को कम से कम 20 साल हो चुके हैं, मैं इनको बराबर वोट देता आया भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। प्रधान जी जब खत्म हुए थे तब भी ये गांव को देखने नहीं आई, 10,000 की भीड़ थी, और आज जब वोट का टाइम आया विधायिका का सारे नेता आ जाते हैं, इसलिए मैं वोट सपा को खुला हुआ देंगे। भैया हाँ, क्या स्थिति है विधानसभा? अरे भैया, हम लोग हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हम लोगों ने नारो है। अच्छा भैया कह रहे, ये क्या नाम सपा आ रही होगी? अब भैया की व्यवस्था का चौगल, हम लोगों को तो जो हमें राशन पानी दे रहे हैं बाकी सुने दोने। अच्छा हाँ, इस में काट वाले रुपया मेरे खाता में आए, 1,000 रुपया बाकी सुने दोने। अच्छा, 2,000 रुपया मेरे पिताजी के खाता में आए रहे, बेदेखे हम। अब की बार क्या है स्थिति ये बताओ? अब की बार मोदी सरकार फिर से। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, मोदी सरकार जिंदाबाद। नायका को हम लोग वोट नहीं देंगे, नेताजी क्या कहेंगे? अब जैसे इन्होंने कहा मुझे राशन मिल रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मार्च के बाद आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अखिलेश जी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है कि मैं 5 साल तक फ्री दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली फ्री दूंगा, लैपटॉप दूंगा और कन्या विद्या धन दूंगा। अखिलेश जी की जो योजनाएं हैं, समाजवादी पार्टी ने जो कहा वही किया, कभी माननीय नेताजी ने जब कहा वही किया, और छिबरामऊ विधानसभा में विधायिका जी के 5 काम ये गिनवा दें, 5 काम ये गिनवा। कौन कौन से काम है भैया? भैया हम लोगों ने काम, हम तो मजदूर आदमी, हम लोगों को तो देखो इस समय कार्ड वाले 1,000 रुपए मिले, राशन मिल लो फ्री, तेल चिक नहीं आ रहा है। भाजपा ने बदनाम करने के लिए है, पानी की सुविधा और क्या चाहिए, नल लगो है और क्या चाहिए, हम लोगों ने बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत बढ़िया। आज हम सपा में तो गुंडा भाई ना हो तो ये गुंडा, ये कहना उनका ठीक है। अब ये तो गांव के हैं, गुंडागर्दी इनके पास की दिन की होती है बताएं? आप भारतीय जनता पार्टी के गुंडा देखो, धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है भारतीय सरकार में हम पे 1,000 रुपए एक पेंशन बनवा देंगे, अब पेंशन भी नहीं बनवा, हमें मोदी दे तो रहे 2,000 रुपए में। किन्ने पेंशन के लिए किसने पैसे लिए थे? हमने, हमारे गरीब आदमी, तुम ब्याज दिया मैंने? अरे हाँ, कब 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 दिया? आप 3 साल हो गए, 4 4 साल 5 साल। ये आरोप लगा रहे क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सदैव वर्ग भेदभाव करके नहीं काम किया, सबका समान रखा। समाजवादी पार्टी ने गरीब अमीर को सब एक दार रखा, किसी से ये नहीं कहा कि किसी को दुर्भाव किया जाए। समाजवादी पार्टी ने, अगर आज भाजपा सरकार में ये देखिए, आज हमारे गेहूं खड़े हैं खेत में, एक भी सांस नहीं रखता है, बताइए आप। अगर बीजेपी के कोई भी नेता से पूछ लो कि ये रात रात भर किसान रखाते हैं, सो नींद नहीं आती इनको, सोते हैं, बताइए सो भैया क्या कहेंगे? भैया हमारे पड़ोस में आलू है, एक साढ़ नहीं आई, हम लोगों को हम लोग मौजा में तो बता दीजिए। माननीय हमारे अरविंद सिंह यादव विधायक जी ने अपने कार्यकाल में सपा समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बहुत सौदैया अस्पताल बना के जनता के लिए खड़ा किया है, और आज 5 साल बीत गए, माननीय अर्चना पांडे जो भाजपा की विधायक है वो आज कहीं अपने 5 काम गिना के दिखा दे, हमने विधानसभा में कौन सा काम किया है, बताइए।
हमारा ये फोन लाइन हमारे अखिलेश यादव जी ने बना के तैयार किया, इसमें फीता काटा योगी जी ने, उन्हें गड्ढे मुक्त नहीं करा पाए। बताइए, वो कह रहे हम गड्ढे गंदे वो गड्ढे मुक्त कराएंगे। भैया क्या कहेंगे, ये आरोप आरोप गलत लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम होती है, खूब कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ विधानसभा में? काम विधानसभा में सब काम हुए, सबको गरीब बराबर, अमीर को सबको बराबर रखा है। अच्छा, और सपा सरकार में गरीब तो कीड़ा है। अब की बार वोट क्या करें, किनको करेंगे? कमल फूल मोदी जी का हमको तो मिला है। मतलब अच्छा, तो कोई लेना देना, खाली पार्टी से जो मतलब है। अच्छा, पार्टी देख रहे प्यास है विधानसभा की? अब्बा जो भगवान जाने जो हो, हम तो पार्टी जान दे, जय दो करे तो दो भरे हो। इस पार्टी देख लेगा, हम तो खाली मोदी योगी देख रहे बस। अच्छा, बस केवल केवल क्या बजे क्या है? हमें बजे जो हमें दे रहे काद क्या दे रहे जो सब दे सब दे सो में दे। क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है आपको? हमें हमें जगह आलू खुद होना भाई, आलू खुद बस, और हमें कहीं ना मिल रहा है। मजबूर है, मजबूरी फिर भी आप योगी मोदी कह रहे राशन कार्ड कागज मिल लो, पैसा मिल लो भाई, या मैं जो बाकी स्मार्ट कार्ड वाले फिर भी मिल रहे मिल रही सुविधा मिल रही। अच्छा, हाँ जो मिल रही तो मिल रही भाई। भैया हाँ, क्या नाम दद्दा नाम? क्या है माहौल इस समय? जे का सोई है सही। क्या है सही? कालोनी अलोनी जी ने दही नहीं सो बताए रे झड़का डका ना ला लो। अच्छा, अब की बार किसको वोट करेंगे? अरे मैं तो मतदान है। अरे बताओ तो कुछ। सपोर्ट तो है। सपोर्ट किसको है? अर्चना ही, अर्चना है। अर्चना है दद्दा, क्या है माहौल? माहौल सही है साहब, आप भी हमारी मदद भी करोगे, हम आपकी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, अब कोई बात नहीं। हाँ, हमारी दुखदाई दूर कर जाओ और आपकी सुखदाई शुरू हुई। अच्छा, बात खत्म। भैया क्या है माहौल? माहौल ये है सर, हम भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो सदस्य हैं, और हमको कुछ भी नहीं। आज हमारी 18 में प्रधान जी ने लिखी थी कॉलोनी, हम सब कच्चे मकानों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे पास आधार, अगर वो देखा जाए आधार कार्ड तो हमारे पास खेती भी नहीं है। तो सर ये हमारे क्या कर सकते हैं बताइए नेताजी। अच्छा, और अर्चना विधायक जो आती हैं, वो हमारे प्रधान जी खत्म हो गए थे तब, वो कहीं कोरोना है, कोरोना हमारे प्रधान जी को भी नहीं देखने आई है। बताइए ये क्या कर सकते हैं हमारे लिए? उनसे रुष्ट हो कि सरकार से रुष्ट हो? सरकार से कोई रुष्ट नहीं है। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कुल मिला के ये सरकार में कार्य सही हुआ है, और गांव को कुछ माहौल भी अच्छा है, वोट कर भाजपा को देंगे हम। हाँ, और कुल कार्य हुआ गांव में, तब भी कुछ कॉलोनी दी है सरकार में, और कार्य गांव का आधा कुछ सही है, खंजड़ा बिछ गया है। हाँ, और सही है राग तक। तो मेरे साथ कई भैया लोग मौजूद थे, और लोगों से भी बात हम करेंगे। जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।